बीएसएनएल ने खत्म किए ब्लैकआउट डेज, अब नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। बीएसएनएल के यूज़र्स के लिए खुशखबरी है, कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए नए साल के मौके पर ब्लैकआउट डेज को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि अब ग्राहकों को 31 दिसंबर और 1 जनवरी को एसएमएस और कॉलिंग के लिए अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा कंपनी ने कहा है कि आने वाले साल से सभी ब्लैकआउट डेज खत्म कर दिए गए हैं। ग्राहक अब बड़े मौके या त्योहारों पर भी अपने रिचार्ज पैक और एसएमएस पैक्स का लाभ ले पाएंगे। मालूम हो, टेलीकॉम कंपनी बड़े त्योहारों या मौके जैसे नया साल, दीपावली, होली को ब्लैकआउट डेज बनाती है। इन दिनों पर यूजर्स को मैसेज भेजने और कॉलिंग के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना होता था, यानी कि ग्राहकों के स्पेशल टैरिफ वाउचर्स या मैसेज पैक इन दिनों काम नहीं करते थे। टेलीकॉम टॉक की एक रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल के इस ऐलान के बाद अब ग्राहकों को किसी भी ब्लैकआउट डे पर अलग से चार्ज नहीं देना होगा। उदाहरण के तौर पे पहले अगर ग्राहक ने एसएमएस पैक भी ले रखा है तो ब्लैकआउट डेज पर ग्राहकों को मेन बैलेंस से चार्ज देना होता था। अब कंपनी के इस ऐलान के बाद से मैसेज भेजने के लिए मेन बैलेंस चार्ज नहीं देना होगा, बल्कि मैसेज पैक से भेजे जा सकेंगे। सितंबर 2016 में अपनी सेवाएं शुरू करने के बाद रिलायंस जियो पहली कंपनी थी जिसने ब्लैकआउट डेज खत्म किया था।